आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी एक ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था, डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश, अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटे छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपये देशवासियों के खाते में जमा करवा देता है, हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था जी, आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविन, दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी, आज वैक्सीन लो, हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरे सेकंड पे अवेलेबल। ये ताकत हमने दिखाई है माननीय अध्यक्ष जी। भारत में नई संभावनाएं हैं, दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने, कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है, भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं, और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन
प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है।